बात करेंगे टी जंक्शन प्लॉट्स के बारे में। टी जंक्शन प्लॉट कैसे होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है, ये प्लॉट्स ऑस्पिशियस होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसे प्लॉट्स को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ऑलरेडी अगर हम ऐसे घरों में रह रहे हैं तो हम क्या क्विक रेमेडी कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा फायदा उठाइए। आज मैं इस टॉपिक को पंच तत्वों के आधार पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। पंच तत्वों के साथ जब हम इसको समझेंगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप टी जंक्शन के इफेक्ट को चुटकियों में समझ पाएंगे। तो टी जंक्शन के प्रभाव क्या होते हैं और क्यों, ये रीजन आप समझ पाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत से वास्तु के सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं। आई एम श्योर ये आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगे, यूजफुल होंगे। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आप पाएंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, टी जंक्शन के प्लॉट। टी जंक्शन के प्लॉट्स कैसे होते हैं? वो प्लॉट जिनके सामने वाली रोड के ऊपर एक दूसरी रोड का 90 डिग्री का जब हिट आ रहा होता है तो ऐसे प्लॉट को हम टी जंक्शन का प्लॉट कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो जिस प्लॉट के ठीक सामने टी जंक्शन होता है, टी पॉइंट होता है, उसको हम टी जंक्शन का प्लॉट कहते हैं। ये जो 90 डिग्री के रोड का हिट है, ये सारा खेल इसी, जब हम ऐसे प्लॉट के सेंटर में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि ये रोड का हिट किस दिशा से आ रहा है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट किसी भी दिशा से उस प्लॉट पर हिट आ सकता है। और वहां रहने वाले क्या एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, ये डिपेंड करेगा कि ये रोड हिट किस दिशा से आ रहा है। जिस दिशा से ये रोड का हिट आता है उस तत्व की अधिकता उस प्लॉट में हो जाती है, उस घर में हो जाती है, और वहां रहने वाले अपनी लाइफ में उसी तत्व की प्रधानता को अनुभव करते हैं, उस तत्व के इम्बैलेंस को अनुभव करते हैं। देखा जाए तो ये रोड हिट नहीं होता, बल्कि एक एनर्जी का हिट होता है जो कि बहुत वेग के साथ उस प्लॉट के अंदर प्रवेश करता है और वहां रहने वाले इस वेग को सह नहीं पाते और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये जो वेग है ये एक प्रहार के जैसे होता है जो किसी अस्त्र के प्रहार से कम नहीं है। अब इस प्रहार की कैसी चोट होगी ये किस पे डिपेंड करता है कि वो अस्त्र किस चीज का बना हुआ है। हमारे चारों तरफ जितनी चीजें हैं ये पंच तत्वों की बनी हुई हैं, सभी जानते हैं। वो पांच तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आकाश तत्व मेटल तत्व एक ही है। चाइनीज थ्योरी में आकाश तत्व को मेटल कहा गया है। तो आज हम यहाँ पे मेटल की बात करें। इन पांच तत्वों में से एक तत्व का ही ये अस्त्र हो सकता है। तो इस अस्त्र का प्रभाव कैसा होगा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये बॉटल। अगर हम इस बॉटल के ऊपर वॉटर का बहुत ही प्रेशर के साथ हिट देंगे तो क्या होगा, इस बॉटल की सारी नेगेटिविटी वॉश आउट हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर एयर का बहुत तेज प्रेशर देंगे तो क्या होगा, तो भी एक तरह से इसकी नेगेटिविटी वॉश आउट हो जाएगी। अगर हम इसके ऊपर फायर का हिट देंगे प्रेशर के साथ तो क्या होगा, फायर के हिट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दशहरे का रावण। उस पे फायर का हिट होता है पूरे वेग के साथ तीर की तरह, और क्या हाल होता है रावण का। इसी तरह अगर हम इस पे गुलेल से एक पत्थर मारेंगे कस के तो क्या होगा, बॉटल हिल जाए और गिर भी सकती है, डिपेंड करता है पत्थर कितना बड़ा है और प्रेशर कितना तेज है, और ये टूट भी सकती है। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर मेटल का हथौड़ा खींच के मारे, यानी लोहे का हथौड़ा खींच के मारे तो क्या होगा, पूरे वेग के साथ तो बॉटल टूट जाएगी, गिर भी सकती है, टूट भी सकती। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की जगह उस प्लॉट को रख दें तो बस सेम इफेक्ट होगा उन तत्वों के हिट का। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि
कौन सा वाटर का हिट है, कौन सा एयर का हिट है, फायर का हिट है और मेटल का हिट है। तो इसके लिए हम डायरेक्शंस का सहारा लेंगे, डायरेक्शंस के माध्यम से हम इसे समझेंगे। हर डायरेक्शन का कोई ना कोई तत्व होता है, तो किसी प्लॉट के सेंटर में जब हम खड़े होते हैं तो अगर वो रोड का हिट नॉर्थ की दिशा से आ रहा है या नॉर्थ ईस्ट की दिशा से आ रहा है तो वो वाटर का हिट होगा। तो वाटर का हिट क्या करता है, उस घर में रहने वालों की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अबंडेंस, नेम, फेम सब कुछ लेकर के आता है। नॉर्थ ईस्ट का हिट वहां रहने वालों को पावर देता है, ऐसे लोग दुनिया को रूल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हिट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बकिंगम पैलेस, जिस पर कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा से एक रोड का हिट आ रहा था। ब्रिटिशर्स ने ऑल ओवर वर्ल्ड कितना रूल किया और ये हिट 1900s तक रहा। 1900s के स्टार्टिंग में इस रोड हिट को खत्म कर दिया गया। कैसे? बकिंगम पैलेस और उस रोड हिट के बीच में विक्टोरिया मेमोरियल बना दिया गया। उससे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के हिट का प्रभाव खत्म हो गया। और उसके बाद आप सब जानते हैं क्या, जो रूलर्स थे उनका साम्राज्य खत्म हो गया। इसी तरह के बहुत अच्छे और भी एग्जांपल्स हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा के रोड हिट। अब अगर ये रोड हिट ईस्ट के डायरेक्शन से आता है तो क्या होता है, एयर का हिट होता है। इसको हम कौन सा हिट कहेंगे, एयर का हिट। एयर यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हिट यानी उस घर में रहने वाले नई ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। इनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत करेजियस होते हैं, सोशलाइज करना इन्हें अच्छा लगता है, इनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। तो ईस्ट की दिशा से जो हिट आ रहा है वो ऑस्पिशियस होता है। तो इस तरह से ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का हिट बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ टी जंक्शन प्लॉट माना जाता है। लेकिन कब तक, जब तक ये हिट माइल्ड है। अगर ये हिट वाइल्ड हो जाता है तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, स्पेशली रेजिडेंशियल हाउसेस को, जहां पर हमको बहुत पीसफुल और माइल्ड एनर्जीज की, सॉफ्ट एनर्जीज की जरूरत है। तो ये हिट वाइल्ड कैसे होता है, जब ये हिट हैवी ट्रैफिक वाली रोड का होता है, ब्रॉडर रोड का, मेन रोड का होता है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। जब हम किसी प्लॉट के सेंटर में खड़े हैं और उसके साउथ या साउथ ईस्ट की दिशा से कोई रोड हिट आ रहा है तो ये हिट होता है फायर का हिट। तो फायर का हिट क्या करता है, जैसे कि दशहरे का रावण। मैंने एक दिवाली में एक बच्चे को रॉकेट चलाते हुए देखा, उसने बोतल में रॉकेट डाला और उसको टेढ़ा करके उसमें आग लगा दी। रॉकेट बहुत तेजी से निकला और सामने खड़ी गाड़ी के शीशे से टकराया और वो शीशा चकनाचूर। बस कुछ इसी तरह करता है फायर एलिमेंट का हिट। उस घर में फायर, एक्सीडेंट, लॉसेस, ये सब फेस किए जाते हैं। डिपार्टमेंटल इश्यूज, बड़े बड़े इश्यूज, वहां रहने वाली फीमेल्स मेजर हेल्थ इश्यूज फेस करती हैं। तो ऐसे घर भी अच्छे नहीं है, फेटल है, इन्हें छोड़ देना। जब साउथ वेस्ट की दिशा से रोड का हिट आ रहा होता है तो ऐसे हिट को अर्थ एलिमेंट का हिट कहते हैं। हमने गुलेल का हिट देखा था ना, बॉटल या ऑब्जेक्ट हिल जाता है, चोट भी लगती है, वो गिर भी सकता है। तो इसी तरह का हिट होता है अर्थ एलिमेंट का हिट उस प्लॉट पर। वहां रहने वाले लोग अपनी लाइफ में बहुत जबरदस्त इनस्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, कर्जा बढ़ता जाता है, मेजर रिलेशनशिप इश्यूज फेस करते हैं, डेथ्स भी देखी गई है वहां पे। एक तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, ऊपर से रोड का हिट टी जंक्शन प्लॉट बहुत ही घातक है, इसे तुरंत छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है मेटल का हिट। जब वेस्ट की दिशा से, नॉर्थ वेस्ट की दिशा से रोड हिट आ रहा होता है तो इस हिट को हम क्या कहते हैं, मेटल का हिट, यानी हथौड़े के हिट के जैसा होता है। वहां रहने वाले लोग बहुत कष्ट में जीते हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, अपनी लाइफ में वो असफलताओं को अनुभव करते हैं, पैसे का नुकसान। और अगर नॉर्थ वेस्ट का हिट आ रहा होता है तो कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, सडन डेथ्स भी देखी गई।
तो इस तरह के घरों को छोड़ देना चाहिए। तो हमने समझा कि दो एलिमेंट्स का हिट तो अच्छा है, यानी कौन से डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का हिट ऑस्पिशियस होता है जब तक एनर्जीज वाइल्ड नहीं, और साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट का हिट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ऐसे प्लॉट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी ऐसे प्लॉट्स में रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे घरों को छोड़ दें। लेकिन जब तक आप नहीं छोड़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप फेंग शुई का बागवा मिरर लीजिए और अपनी एंट्रेंस पे लगा दीजिए, मेन गेट पर लगा दीजिए, जिससे कि वो जो रोड का हिट है उसमें रिफ्लेक्ट हो। बागवा मिरर में कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसमें कि कोई भी चीज छोटी होके दिखाई देती है। तो जो ये रोड का बड़ा हिट आ रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर उसके प्रभाव को छोटा कर देता है, तो वहां रहने वाले लोगों को राहत मिलती है। तो अगर आप ऐसे प्लॉट्स में रह रहे हैं तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, अपने मेन गेट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके उस रोड हिट से हटा दीजिए। जिधर ऐसा ऑप्शन है तो ऐसा जरूर कर लीजिए, उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दीजिए वहां से। इस तरह और भी हम छोटी छोटी रेमेडीज करके टी जंक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही कर लेंगे तो आपको बेटर लगेगा। टी जंक्शन के प्लॉट्स ग्राउंड फ्लोर के लिए ज्यादा नुकसान वाले होते हैं। जो अपर फ्लोर्स होते हैं, जैसे जैसे अर्थ से ऊपर फ्लोर्स होते जाते हैं, उन पे इसका इफेक्ट कम होता जाता है। तो इस तरह से हमने आज पंच तत्वों के आधार पर इस विषय को समझा। मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो मेरा अनुभव था। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर आपको सही में टॉपिक समझ में आ गया तो मेरी मेहनत सफल। और बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने आगे के वीडियोस में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।